मेट्रो रूट पर बस मेट्रो वही चलेगी। हुकूमत का मेट्रो के रूट के मतवाजी तमाम रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला। मतवाजी रूट्स पर चलने वाली बसों को दीगर इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। उबर और क्रीम की गाड़ियों पर टैक्सी लोगो लगाया जाए। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को खत। उबर और करीम पर चलने वाली गाड़ियों के फ्रंट और बैक पर टैक्सी लोगो अवेजा करवाया जाए। पंजाब पुलिस के 67 डीएसपी और इंस्पेक्टर्स ने सीनियोरिटी लिस्ट पर एतराज उठा दिया। कायम मकाम आईजी ने इन डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स को आईजी ऑफिस में बुला लिया। मुरासले की कॉपी सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम अफसरान को भिजवा दी। स्पीडो बस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। स्पीडो बस सर्विस में अब नकद किराया भी दिया जा सकेगा। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने स्पीडो बस सर्विस में नकद किराया अदा करने की सहूलत दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब भर में अफसरान को खुली कचहरी लगाने का हुक्म। डीपीओ और डीसी मुश्तरका खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुनेंगे। जुमा के रोज 10 से 12 तक खुली कचहरी का इनाकाद किया जाएगा। मुरासला जारी। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज आपको होनी चाहिए। मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। मीडिया को इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए, मीडिया को तमीज करनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान सहाफी के सवाल पर सीखपा हो गए। गुस्से में सवाल का जवाब दिए बगैर गाड़ी की जानिब चल पड़े। नाराज सहाफियों का चौहान की गाड़ी का घेराव करके एहतजाज। फयाज चौहान की तरबियत में कमी रह गई है, सहाफियों से बदतमीजी की मजम्मत करते हैं। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। दिल के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। पीआईसी समेत दीगर अस्पतालों में खून की बंद नाली खोलने वाले स्टंट्स नायाब। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं 42 अरब का बजट रखा है। स्टंट्स और अद्वियात की खरीदारी का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 4 लाख बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पीफ पार्टनर स्कूलों को मुआवजे की अदायगी रुक गई। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 1 फरवरी से सुबह भर में एहतजाज का ऐलान। सदर एफसा मियां शबीर हाशमी कहते हैं पैफ स्कूलों को हर माह की 10 तारीख तक अदायगियां यकीनी बनाई जाएं। पैसे ना मिलने तो तालीमी निजाम ठप हो जाएगा। मजदूरों का हर 6 माह बाद तिब्बी मुआयना करवाना लाजिम और मजलूम होगा। मुआयना करवाने के तमाम अखराजात मालिक या इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। किसी फैक्ट्री में मशीनों की तब्दीली की भी इजाजत लेना होगी। तहफ्फुज न करने वाले फैक्ट्री मालिकान को कैद और जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत का वर्कर्स तहफ्फुज और सेहत की बेहतरी के लिए एक्ट बनाने का फैसला। बिल पंजाब असेंबली के इजलास में जल्द पेश किए जाने का इम्कान। शेल्टर होम्स मंसूबे में तीसरी बार तब्दीली। लागत 29 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रेलवे स्टेशन और दाता दरबार पर शेल्टर होम्स एक के बजाय 2 कनाल पर तामीर किए जाएंगे। कोट लखपत जेल में मरियम नवाज की अपने वालिद से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात आधा घंटा जारी रही। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए खाना और ड्राई फ्रूट भी लाई। नवाज शरीफ का मौसम के बायस थोड़ा सा गला खराब, मामूल का चेकअप, तिब्बी इमदाद दी गई। जेल हुक्काम नवाज शरीफ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई, जेलें महफूज हैं। कैदी कैदी होता है, चाहिए वो जैसे भी जुर्म में आया। शहबाज शरीफ जब आएंगे तब देखेंगे उन्हें कहां रखना है। सुबाई वजीर जेल खानाजात जवार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। आईजी जेल खानाजात के दफ्तर में कैदियों में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तिब्बी हालत मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर जमानत मंजूर की दरखास्त की तैयारी। वकला की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जमानत का ड्राफ्ट तैयार। दरखास्त जमानत आइंदा चंद रोज में लाहौर हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। वफाकी वजारत कानून की शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक केस की तमाम दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुरासला इरसाल, ख्वाजा साद रफीक का भी सुप्रीम कोर्ट पेशी के लिए दो रोजा राहदारी रिमांड मंजूर, नैब टीम इस्लामाबाद ले गई। पंजाब असेंबली में शहर के मास्टर प्लान में तब्दीली की गूंज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। लीगी रहनुमा शेख अलाउद्दीन कहते हैं शहर की हदूद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, रिहायशी इलाकों में कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं। वजीर कानून राजा बशारत बोले माजी में इदारों को घर की लॉन्डी बनाकर रखा गया, सरकारी जमीनों की बंदरबांट की गई, शहर की असल शक्ल में बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन मंसूबा, खजाने पर बोझ, 10 अरब रुपए सिर्फ महाना अखराजात के लिए दरकार, हुकूमत 120 अरब रुपए सालाना के बोझ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान एक मरतबा फिर मंसूबे के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं खाली खजाने के साथ ऐसे चौंचले को कैसे चलाया जा सकता है, शहाना फैसले करने वालों ने पंजाब के आवाम के साथ जुल्म किया, मंसूबा मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं, कम से कम नुकसान की कोशिश है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अरबों रुपए मालियत के असासों के मालिक निकले शेख जफर इकबाल, फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशंस के मालिक हैं, आमदन से जायद असासाजात कैसे बनाए, नैब ने पूछगछ शुरू कर दी, जायदादों का रिकॉर्ड हासिल करने के मुतल्लिका इदारों को मुरासला लिख दिया। गवर्नर ने गवर्नर हाउस खाली कर दिया, सिक्योरिटी एहलकार अभी भी 100 से ऊपर, गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पर 111 सिक्योरिटी एहलकार तैनात, दो रिहायशगाह पर 109, गवर्नर हाउस में वजीर आला के घर सिर्फ 4 तैनात, स्पीकर पंजाब असेंबली के घर 1, मुतअद्दिद विफाकी और सूबाई वज़रा के घरों पर 2-2 एहलकार तैनात, ऐवान में VIP सिक्योरिटी के बारे रिपोर्ट पेश। हुस्न संवारने के नाम पर हुस्न बिगाड़ने वालों की शामत आ गई, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की खसूसी टास्क फोर्स तश्कील, स्टोरों पर गैर मयारी क्रीमें और कॉस्मेटिक्स की छानबीन शुरू, गैर मयारी कॉस्मेटिक्स का सामान जब्त और स्टोर मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लाहौर न्यूज ने उठाया शहर को चमकाने का मिशन, लाहौर न्यूज की निशानदही पर सफाई की निगरान कंपनियां शहर की सफाई सुथराई में मसरूफ, शाहदरा एबर्ट रोड और गुलशन रावी से गंदगी के ढेरों का सफाया, अरसे से जमी धूल और सड़क चमचम कर उठी, MD LWMC फारूक कयूम का रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे, अगर गंदगी और तहफ़ुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर, हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक। महंगी LPG, बिजली की आंख मचोली, गैस की भी लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा, लुटन रोड के मकीनों का सबर जवाब दे गया, सड़कों पर आ गए, सुई नॉर्दर्न गैस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, गैस दो के नारे। महंगाई लोड शेडिंग से परेशान आवाम की पहुंच से टमाटर भी बाहर, शहरी लाल टमाटर की कीमत सुनकर लाल पीले होने लगे, टमाटर की सरकारी कीमत 25 से 30 रुपए फी किलो 60 रुपए में फरोख्त होने लगा, महंगाई से परेशान आवाम चकरा गए। टमाटर ने तो हद ही मुका दिया, अभी भी हमने लिए और बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर जो है वो 60 रुपए हो गए, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, सारी तकरीबन सब्जियां महंगी हो गई है, 30 रुपए किलो से अब 60 रुपए हो गए हैं, तो अब हर हांडी में डालना है, हर चीज में डालना है, तो अब आम किधर जाए। गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस रायजाज के बाद एक और DPO नैब के शिकंजे में आ गया, नैब लाहौर ने साबिक DPO गुजरात कामरान मुमताज को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम पर पुलिस फंड्स में मजमुई तौर पर 55 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द का इल्जाम है, तर्जुमान नैब लाहौर।
मीटर रीडर्स के तमाम मुतालबे जल्द पूरे किए जाएंगे। नए मोबाइल फोन इसी माह फराहम कर दिए जाएंगे। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज जट्ठा का लेबर हॉल में मीटर रीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद बोले, महकमे बिजली का मुलाजिम अपनी जान खतरे में डालकर काम करता है, हुकूमत लेस्को मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। और साल नौ में महकमा एक्साइज के पुरकशिश नंबरों की नीलामी। शहरियों ने मनपसंद नंबरों पर दिल खोलकर रकम खर्च कर डाली। LE1 11 लाख रुपए में फरोख्त हुआ, 786 नंबर 3,03,000 में बिका।